अधिकारी को तो बहुत दिन नौकरी करना है, हमारे पास वक्त कम है, काम जल्दी होना चाहिए। बेईमानी का भूत लग जाता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो तहसीलदार है या अन्य विभाग का भ्रष्ट, तो इसकी आत्मा गलत है तो किसी बात को करेगा वो उसका काम। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में राजस्व विभाग की कमान संभालने वाले मंत्री करण सिंह वर्मा अपने बयान के कारण इन दिनों चर्चा में। मंत्री जी ने कहा है कि मेरे पास बहुत कम समय है। मंत्री जी, क्योंकि आप तो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, और अब आप कह रहे हैं कि कम समय है, तो क्या ऐसा विचार क्यों आया? नहीं, विचार नहीं आया, वास्तविकता है। अधिकारी को तो बहुत दिन नौकरी करना है, हमारे पास वक्त कम है, काम जल्दी होना चाहिए। नामांतरण है, बंटवारा है, सीमांकन है, जो भी राजस्व विभाग के काम बहुत जल्दी करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने उस पर हूँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अधिकारी 1 महीना नहीं बोले कि 1 महीना हुआ था, अभी 30 दिन होते हैं, रफ्तार से काम। सर, लेकिन आपके पास जिस विभाग की जिम्मेदारी है, मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ही वो विभाग है जिस पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अक्सर यहीं से जो है पकड़ाई में आते हैं। आप जो कह रहे हो सही भी है, दोनों बात। अभी हमारे कलेक्टर, हमारे कमिश्नर, हमारे सारे जो तहसीलदार बहुत काम किए। मुख्यमंत्री जी ने हमारा राज्य के 30 लाख प्रकरण मुख्यमंत्री जी का महाअभियान चलाया था। ऐसा ये काम सब करते हैं, और जो विभाग से नहीं वो तो ऐसा वो भूत है, बेईमानी का भूत लग जाता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो तहसीलदार है या अन्य विभाग का भ्रष्ट, तो इसकी आत्मा गलत है तो किसी बात को करेगा वो उसका काम। हमारा ये काम है कि हम लोगों को संदेश दे रहे कि मैं इस विभाग में रहें, हम सब मिलजुल कर काम करें। मेरा निर्देश है लोगों को कि हम किसी तरह गिलास पाने के चाहे तो दूर की बात, काम करें, समय से करें, जल्दी करें, वक्त कम है। क्योंकि जितना जल्दी काम करोगे तो काम निपटेगा। तो सबको संदेश भी दे रहा हूँ, ऐसा सभी विभाग है, तो जो हम नियम तो बनाया है, नीति बनाई है, मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आपके नियम ठीक है। अब आपने जैसा मेरे पास लिखा होगा, चिट्ठी लिखना है, टेलीफोन करना है, कितना संभव हो सकता है मत कर। सर, लेकिन अक्सर जो तहसीलदार है, जो पटवारी है, वो समय पर काम करे उसकी समय सीमा तय की जा रही है, या फिर कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए कोई पैमाना तय? नहीं, ये तो देखिए क्या कि एक तहसीलदार ने गलती की, एक किसान के ऊपर सफर उठाया, हमने सस्पेंड कर दिया। आपको मालूम है विधानसभा में कई लोगों को सस्पेंड किया है, पूरे जिले का प्रभाव भी कर रहा हूँ। हमने समय अवधि दी है, हमारे बहुत अच्छे नियम, अगर इसके विपरीत कोई तहसीलदार रहता है तो कितना करोगे? जैसे नामांकन 35 दिन में नामांकन होना चाहिए, 45 दिन हो सकता है, 45 दिन उसका जैसे आपने रजिस्ट्री कराई तो नामांकन होना चाहिए, नहीं तो तहसीलदार सस्पेंड माना जाएगा। सस्पेंड आपकी जवाबदारी, आपके पास आपको 45 दिन दिए हैं, चलो 10 दिन हो जाएंगे। सीमांकन कोई आवेदन देता है तो उसका सीमांकन 1 महीने में होना चाहिए। अगर कोई जमीन बंधक है, वो पैसा जमा करा दे, तहसीलदार को बताए तो 15 दिन में उसको बंधक हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे सामने प्रकरण आएगा, मैं सस्पेंड करूँ। और कोई पिता अपने बच्चों को जीते जी जमीन देना चाहता है, वो पारिवारिक बंटवारा आपके अगर 1.5 महीने में लेते तो आप जवाब पार हुए। मैं ठीक कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को संदेश दे रहा हूँ। मैं भी आपके एक टीम का सदस्य हूँ, राजसी बात हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ कहना कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, समय पे लोगों को काम। जैसे मैंने अभी बोला ना आपने कि मैंने जल्दी का इसलिए किया कि वक्त कम है, दुनिया में सबको, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, सबको जाना है, इसलिए हम समय पर हम काम जल्दी करें। ऐसा नहीं कि छोड़ दें कि कर लेंगे, तो तत्काल काम करें। बहुत सारे उनको बोलता हूँ मैं कि हमारा जनता हमारी भगवान है, इनमें बड़े विश्वास पर हमें सुना है, सबके समय सर। राजस्व भूमि और वन भूमि के जो प्रकरण है, जो विवाद है, वो तो कई सालों से चला आ रहा है। नहीं, अब राजस्व विभाग वन विभाग दोनों सामूहिक बैठ के उसका निर्णय करेंगे, जहाँ भी कोई ऐसे मामले हैं तो उसको हम निपटाएंगे। हमारे युवक हैं, कलेक्टर सब बैठ रहे हैं, सीमा विभाग के मामला सर। झुग्गियों का मामला जोर शोर के साथ उठ रहा है कि अवैध अतिक्रमण के मामले उठ रहे हैं, राजस्व भूमि पर अवैध झुग्गियों के मामले उठ रहे हैं। बेचारे
आदिवासी गरीब लोग हैं, अतिक्रमण तो देश में मानता हूँ कि बहुत है, पर इनके खिलाफ जो भी है एक्शन लेते हैं समय समय पर, क्या जरूरी है नाला साफ करना है, उसको भी इनको हटा रहे हैं। लेकिन सर जो झुग्गियों वाले जो मामले हैं, जो शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों के मामले बढ़ते हैं लगातार, राजस्व भूमि में कई मामले ऐसे आए कि जहाँ पर नहीं, देखिए वो भूमि तो नगर निगम की है, नगर निगम देते हैं, जहाँ हमारे पास के प्रवक्ता से काम कर रहा है वो मैं आपको बता दूँ कि मेरे विभाग के अधिकारी मुझे कहना पड़ रहा है, पहले में भी ऐसा होता कहना पड़ रहा है कि समय जहाँ भी यहाँ पूरे इलाके के गरीब से गरीब आदमी अतिक्रमण का मामला चाहे सीमांकन का हो चाहे बंटवारे का, तत्काल में कहता हूँ तत्काल का, और इसीलिए तो हमारे राज्य से बात करो बुरी नज़र देखते हैं। अब अच्छे नज़र आप देखें कि 30 लाख प्रकरण निपटाए, राजस्व अभियान माननीय मुख्यमंत्री ने चलाया था, उनसे कहा कि आप हर जिले में गया, मैं प्रवास कर रहा हूँ बाकी जिले सब जिले में जाऊँगा, क्यों देखूंगा, वीडियो के माध्यम से मैंने कहा कि मैं जाऊँ जिस जिले में वो सब आए और वहीं कार्रवाई करूँगा, लेना देना है। सर अगले 100 डेज का जो प्लान आपने बनाया है उसमें क्या नजर आएगा अगले 100 दिनों में? 100 दिनों में जो हमारे प्रकरण रह गए अभी समय सीमा में है, हम जिले का हर जिले का प्रवास करेंगे, सब लोगों को राजनीतिक लोगों से भी हमारे इच्छा और मैंने कहा सब लोग आइए बैठे क्या क्या कर सकते हैं, हमारे सम्मान से समस्या हल होती है, तो हम पूरे जिले में प्रवास, मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं सारे जिलों में प्रवास करूंगा मैं, और पूरी ताकत के साथ पूरी मेहनत के साथ, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया बहुत कम देखी है, मैं आपको राजस्व की मंत्री तो परसेंटेज कम हुआ हूँ, राजस्व विभाग में हमारे 70 आदमी मिले हैं, हमारे 10 लाख मिले हैं, तो 30 लाख प्रकरण क्वेश्चन है आज तक इतिहास में कभी, डॉक्टर मोहन यादव साहब की मेहर के ऊपर टीम का सदस्य अगर ये नहीं करे कृत्य, जिसे मैं कृत्य बोलता हूँ, भ्रष्टाचार करता है उसमें राक्षस पा राक्षस कर, मैं लोगों को बता रहा हूँ मीटिंग में बहुत कम समय है, आप मैंने पी एस सी बोला मेरे पास वक्त कम है, हमारे हम 4.5 वर्ष रहे, आप पी एस के तो भी नौकरी है, मेरे कार्यकाल में पहचान होना चाहिए आदमी की, जैसा आदमी बोलता है ऐसा करना चाहिए, वो पब्लिक को देखना चाहिए हाँ ये सही है। सर एक और आखिरी सवाल, पेपर लीक वाले मामले जोर शोर के साथ होते हैं, आपने सबसे सरकार के मंत्री हालांकि एक मामला लीक कर लिए और मध्य प्रदेश में भी कई पेपर, हमारे मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए है, हमारे जो मंत्री है शिक्षा मंत्री उन्होंने भी जाँच के आदेश दे, क्योंकि ये संसार है और इसमें गंदे लोग, मैं आपको एक बात बता कि जब भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण के भाई बंधु परिवार के लोगों ने सोचा कि इन्होंने हमारी लंका पे चढ़ाई की जीत गए रावण को मार डाला तो राज इनके भाई को देंगे, मगर कैसे भगवान राम थे कि उन्होंने कहा लक्ष्मण से लक्ष्मण लाई विभीषण कर दिया तो उनके हाथ में, ये तो बड़ी महान आदमी है यार, नारायण ही का अवतार है, तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये हमारी राक्षस होने से मुक्त, तो राक्षस होने से तो मुक्त हो गए, तो आत्मा तो अमर है ना, उनकी आत्मा में भी बेईमानी छल कपट गुस्सा होता है, उसको निकालना पड़ेगा। हर व्यक्ति को मैं तो यही कहता हूँ कि हम राजनीति में काम करते हैं शायद वैसा भोलेनाथ के पूर्णी चढ़ा देते हैं हम लोगों को, इसलिए मैंने फूल माला तो बंद कर दी, मैंने कहा सेवा ही मेरे मन में धन बनता है कि मैं अच्छी सेवा करूँ लोगों को, क्योंकि सारे आना जाना उन्हें फिर बोर्ड कर रहा हूँ कि वक्त इतना मत समझ के, वो रावण ने कहा था ना बहुत वक्त है मेरे पास, पहले बुरे काम कर लूँ फिर अच्छे करूँगा, वक्त खत्म हो गया उस काम को। तो प्रदेश के मंत्री करण सिंह वर्मा जिनकी ईमानदारी को के लिए वो खुद पहचाने जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उनके पास राजस्व विभाग की है जिसकी छवि दागदार है, और इस दाग को वो कैसे मिटा पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।